जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सबसे पहले आपको मैं तीन फोन्स के नाम बताता हूँ, रियलमी का रियलमी जीटी मास्टर एडिशन, रियलमी का रियलमी एक्स सेवन मैक्स और मी का मी इलेवन एक्स। तीनों ही फोन 20 से 25,000 के करीब कुछ देखने को मिलते हैं। जो सेल पे आ रखे हैं तो तीनों ही फोन 20 से 21,000 के करीब कुछ देखने को मिलते हैं। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, इनकी जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल पे जो प्राइस आ रखी है वो आपको शो हो रही है। देखो यहाँ पे 21,000 से लेके कुछ 21,000 से डाउन ही प्राइस, 21,000 ऊपर किसी भी फोन की प्राइस नहीं है। तो आप कह सकते हो अंडर 20,000 रुपीज ये तीनों फोन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखो सबसे पहले बताऊं कि इस वीडियो को आप दो तरह से ले सकते हो, कंपेरिजन भी ले सकते हो तीनों फोन का या बेस्ट 20 to 25 की एक अच्छी वीडियो भी ले सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं लुक की बात कर ले तो हालांकि मैं लुक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन तीनों फोन्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस डिस्प्ले कैमरा में, तो सबसे पहले लुक की बात करना बनता है। देखो सबसे पहले आपको तीनों फोन शो हो रहे होंगे यहाँ पे। देखो जिसको मतलब पर्सनली किसी को भी अगर पसंद है किसी फोन की, जैसे कि मी की काफी ज्यादा पसंद है मेरे को, मी इलेवन एक्स की या फिर रियलमी जीटी मास्टर एडिशन ले लो, तीनों फोन काफी अच्छे डिजाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। तीनों ही फोन से अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो तीनों ही फोन में आपको जो प्रोसेसर देखने मिलते हैं कमाल के फ्लेक्सिबल के प्रोसेसर है, लेकिन बेस्ट कौन सा है यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे आपको जीटी मास्टर एडिशन में देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का 778 जो कि 6 NM प्रोसेसर 2.4 GHz बेस्ट है। वहीं अगर एक्स सेवन मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे डायमेंसिटी का 1200 देखने मिलता है जो कि 6 NM प्रोसेसर है और वहीं ये 3 GHz बेस्ट है। मी इलेवन एक्स में आपको स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि 7 NM प्रोसेसर है और उसी के साथ में ये 3.2 GHz बेस्ट है। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है 870 वो इन सब में से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपको 20 से 25,000 रुपए में अगर इस 870 का प्रोसेसर मिला है तो आई थिंक मैं ये सजेस्ट करूंगा। थोड़ा सा अगर मैं अपना ओपिनियन ऐड कर दूं, मी 11 एक्स में देखो आपको एक IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिलता है, एक IP53 रेटिंग एक्स्ट्रा मिलती है। वहीं अगर बात करूं तो यहाँ पे MIUI देखने मिलता है, लेकिन ये MIUI एक फ्लेक्सिबल लेवल का MIUI है जो कि आपको थोड़ा सा क्लीन देखने मिलता है, इतने ज्यादा बग्स इस MIUI में नहीं है। तो देखो तीनों फोन्स के एक सिंपल बात करूं तो यहाँ पे डिस्प्ले के नाम मैं सीधा कहना चाहूंगा मी 11X बेटर है, क्योंकि यहाँ पे A+ रेटेड E4 की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर कैमरा की बात करूं तो कैमरा के मामले में जीटी मास्टर एडिशन बेटर है, क्योंकि आपको मैंने काफी ज्यादा रिव्यू चेक करने में तो आपको बता रहा हूँ कि मी या रियलमी के जो X7 है उनसे थोड़ा सा बेटर निकल जाता है जीटी का मास्टर एडिशन। वहीं अगर एक पॉइंट और ऐड कर दूं तो देखो सबसे पहले मी का मी 11X काफी ज्यादा बड़ा फोन है, इसको आप हैंडी फोन नहीं कह सकते हो, काफी पतला है लेकिन काफी ज्यादा भारी भी है क्योंकि बड़ा होने की वजह से इसमें वेट थोड़ा ज्यादा है। रियलमी का जो मास्टर एडिशन है वो काफी ज्यादा बेहतर लुक के साथ में आता है, वो काफी ज्यादा लाइट वेट भी है और काफी अच्छे कैमरा के साथ में आता है। तो जिनको हैंडी फोन पसंद है रियलमी के, तो आप रियलमी के हैंडी फोन भी ले सकते हो। तो देखो सिंपली आपको तीनों ही फोन्स को आपको सजेस्ट कैसे करना मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। किसी भी फोन की अगर आपको डिजाइन पसंद है, सबसे पहले डिजाइन के हिसाब से आप फोन बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करूं तो किसी का कैमरा बेस्ट है, किसी का प्रोसेसर बेस्ट है, तो ऐसे में अगर आपको फोन रैंक करके दिखाओ तो वो एक गलत बात होगी आपके लिए। तो देखो सिंपली ओवरऑल मेरा इतना ही ओपिनियन है कि जो आपको सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट देखने को मिल जाता है, या अपना आपका जो गेमिंग अच्छा है तो आप मी 11X लो, अगर आपको बेटर कैमरा वाला चाहिए तो आप ये जीटी मास्टर एडिशन ले सकते हो। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि 21,000 तक या 20,000 तक अगर आपको रियलमी का रियलमी X7 मैक्स मिल रहा है तो ये एक ऑलराउंडर फोन है, काफी अच्छा प्रोसेसर के साथ में, काफी अच्छा बैटरी के साथ में और काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ में और कैमरा इससे काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको लास्ट ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि मैं आपको रियलमी का X7 मैक्स सजेस्ट करता हूँ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे अमेजिंग अगली वीडियो में।